लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल ओटाइटिस का बारे में एक्सटर्नल ओटाइटिस देखा था. सो इससे पहला ओटाइटिस मीडिया, ओटोस्पोरोसिस एंड नॉर्मल इन्फ्लेमेशन और नॉर्मल इन्फेक्शियस डिसीज कंडीशन ऑफ द ईयर देखा था हमने. सो इसमें हमने बहुत डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखा था, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओटोस्कोप एग्जामिनेशन. ओटोस्कोप मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर विद द स्कोप. ओके, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट इज रिन्ने टेस्ट एंड वेबर टेस्ट बोला था मैंने. ओके, रिन्ने टेस्ट, वेबर टेस्ट, कोल्ड कैलोरी टेस्ट, ऑडियोमीटर टेस्ट, दीज आर द टेस्ट ओके टू कंडक्ट द हियरिंग लॉस ऑफ द पर्सन. पर्सन के हियरिंग लॉस कंडक्ट करने के लिए वो सर्टन टेस्ट करता है. वेबर टेस्ट, रिन्ने टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वो कैसे टेस्ट करता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, वो मालूम होने का हमको बहुत जरूरी है. हमने आज वेबर टेस्ट एंड रिन्ने टेस्ट के बारे में समझाने के लिए कोशिश करता हूँ. देख लीजिए, वेबर टेस्ट, रिन्ने टेस्ट क्यों करते हैं, टू डिफरेंशिएट द कंडक्टिव एंड सेंसोरियल हियरिंग लॉस. कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, सेंसोरियल हियरिंग लॉस क्या होता है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा. ओके, ये टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है ट्यूनिंग फोर्क. ट्यूनिंग फोर्क चाहिए होता है. ओके, ट्यूनिंग फोर्क के लिए, ट्यूनिंग फोर्क से ये टेस्ट चेक करते हैं. दैट इज द वेबर टेस्ट एंड रिन्ने टेस्ट. दो टेस्ट करते हैं, वेबर टेस्ट अलग है, रिन्ने टेस्ट अलग है. ओके, वेबर टेस्ट में क्या करता है, वेबर टेस्ट में ट्यूनिंग फोर्क का बेस होता है. ये ट्यूनिंग फोर्क है, दिस इज द ट्यूनिंग फोर्क, दिस आर द विंग्स. ओके, ट्यूनिंग फोर्क का विंग्स है, दिस इज द बेस है. ओके, ये वाइब्रेट करके, ये वाइब्रेट करना है. वाइब्रेट करने के बाद जिस साइड में साउंड जाता है वो पूछना है. ओके, मींस इन वेबर टेस्ट लैटरलाइजेशन टू वन ईयर इंडिकेट्स द कंडक्टिव हियरिंग लॉस. कौन सा ईयर में ज्यादा ये वाइब्रेशन सुनता है उसको हमने कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इससे पहला एक नोट ध्यान रख दीजिए, नोट करके ध्यान रख दीजिए. नॉर्मल ईयर अभी हम है, हमारा ईयर नॉर्मल है. नॉर्मल ईयर में उसका साउंड इक्वली जाता है. ओके, जब ये फॉर एग्जांपल ये ट्यूनिंग फोर्क के ये बेस है, ये विंग्स है, ये ऐसा करके वर्टेक्स वाइज में ऐसा रखा तो दोनों ईयर में साउंड इक्वली जाता है, दोनों ईयर में सुनता है. ओके, दैट इज अ नॉर्मल है, नॉर्मल ईयर बोलते हैं उसको. इसमें वेबर टेस्ट करने से पहला हमको नॉर्मल का, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली द बोथ ईयर्स आर द वाइब्रेशंस आर इक्वली स्प्रेड टू द बोथ ईयर्स इन द नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन में वाइब्रेशंस दोनों कान में इक्वली जाता है. ओके, इन केस ऑफ वेबर टेस्ट, वेबर टेस्ट में क्या करते हैं, ओके, द वाइब्रेशंस आर लॉन्गर आर द साउंड वेव इज द साउंड वेव इज द लॉन्गर और द साउंड वेव इज लैटरलाइजेशन टू द वन ईयर. एक खान में ज्यादा साउंड वेव जाने चालू हो गए तो ओके दैट इंडिकेट्स द कंडक्टिव हियरिंग लॉस. कंडक्टिव हियरिंग लॉस करते इसका ओके अदर हेयर, अदर खान क्या करने के, अदर खान को हमने नॉर्मल बोल सकते हैं. अदर खान नॉर्मल नहीं है तो सेंसोरियल हियरिंग लॉस भी हो सकता है. उसमें सेंसोरियल अलग है. ओके, अदर खान को नॉर्मल बोल सकते हैं. अगर एक खान में ज्यादा सुनाई हो रहा तो कंडक्ट हियरिंग लॉस बोलते हैं. ये प्रोसीजर कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रोसीजर के बाद आपको समझ में आएगा वेबर टेस्ट कैसे चेक करना है. ओके, पेशेंट को कुर्सी पे बैठाना है. कुर्सी पे बैठ के हमने पेशेंट के पीछे खड़े रहने का, पेशेंट के पीछे खड़े रह के पेशेंट को डॉक्टर ने दो तीन क्वेश्चंस पूछते हैं. पहला मतलब जो आस्क द पेशेंट टू सर्टेन क्वेश्चंस मींस द रिपीट द व्हाट एवर द डॉक्टर्स एक्सप्लेन. डॉक्टर क्या बोलते हैं वापस बोलने के लिए बोलते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर बोलते हैं 100. ओके, पेशेंट बोलेगा 100. डॉक्टर्स बोलते हैं 200, पेशेंट बोलेगा 200. ऐसा बोलने के बाद ओके देन दिस इज अ ट्यूनिंग फोर्क. द ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स पार्ट ऑफ द पेशेंट. पेशेंट का वर्टेक्स पार्ट में ट्यूनिंग फोर्क इस साइड में रखना है. ओके, द ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स पार्ट ऑफ द पेशेंट वर्टेक्स देन वाइब्रेट इट. ऐसे वाइब्रेट करना है. डॉक्टर साइड में से ये वाइब्रेट करते हैं. ओके, देन वाइब्रेट इट. ओके, नेक्स्ट इफ द साउंड वेव्स आर हर्ड इक्वल टू द बोथ ईयर्स दैट इज अ नॉर्मल. ओके, अदरवाइज the lateralization to the sound wave to the one ear. okay, एक ही कान में ज्यादा आवाज आ रहा है, दूसरे कान में आवाज नहीं आ रहा है. okay, जो कान में ज्यादा आवाज आ रहा है that ear is called as conductive hearing loss. the lateralization to the sound waves to the one ear that indicates conductive hearing loss. समझ में आया? okay, conductive hearing loss में क्या करते हैं, जो कान में ज्यादा साउंड सुनने जाता है उसको हमने
कंडक्ट हियरिंग लॉस बोलते हैं। ओके वन सेकेंड प्रोसीजर सी हियर, द ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ऑन द ओके वर्टेक्स पार्ट ऑफ द पेशेंट, द बेस ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स पार्ट ऑफ द पेशेंट, देन वाइब्रेट इट, देन इंटरप्रेट द रिजल्ट। वाइब्रेट करने के बाद रिजल्ट की इंटरप्रेट करना है, कैसे करना है, इफ द साउंड वेव्स आर लैटरलाइज्ड टू द वन साइड दैट ईयर इज नोन एज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। फॉर एग्जांपल मैं इसे वाइब्रेट किया, अभी राइट कान में ज्यादा आवाज सुन रहा है लेफ्ट कान से नॉर्मल सुन रहा है, राइट कान से ज्यादा सुन रहा है, वाइब्रेशंस दैट इंडिकेट्स द राइट ईयर कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दैट इंडिकेट्स राइट ईयर कंडक्टिव हियरिंग लॉस। लैटरलाइजेशन मींस कौन सा साइड में जाता है, लैटरलाइजेशन टू साउंड वेव टू द वन ईयर, दैट इंडिकेट्स कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ओके दिस इज द वेबर टेस्ट। ओके जिस कान में नॉर्मल है दैट इज अ नॉर्मल, अगर जिस कान में सुनाई नहीं है दैट इज अ सेंसोरियल हियरिंग लॉस। ओके सेंसोरियल हियरिंग लॉस और कंडक्टिव हियरिंग लॉस डिफरेंस करने के लिए वेबर टेस्ट करते हैं। ओके दिस इज द वेबर टेस्ट फॉर वन। ओके नेक्स्ट इज रिन्ने टेस्ट में क्या करते हैं, रिन्ने टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिफरेंशिएट द कंडक्टिव एंड सेंसोरियल हियरिंग लॉस। ओके रिन्ने टेस्ट में क्या करते हैं, ओके टू कंपेयर द एयर कंडक्शन विद द बोन कंडक्शन, एयर कंडक्शन के साथ बोन कंडक्शन को कंपेयर करते हैं हमने। ओके एयर कंडक्शन के साथ बोन कंडक्शन को कंपेयर करते हैं। एयर कंडक्शन क्या होता है, बोन कंडक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूनिंग फोर्क है, ओके ट्यूनिंग फोर्क को ये बेस है, ये विंग्स है। ओके ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेट करके, ट्यूनिंग फोर्क को ऐसा पकड़ के हमने, नहीं तो ऐसा भी वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसा वाइब्रेट करना है एक्चुअली, ये भी यूज नहीं करना है। ओके ट्यूनिंग फोर्क का ऐसा वाइब्रेट करके, द बेस ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड इन द मास्टर्ड प्रोसेस ऑफ द ईयर, ईयर का मास्टर्ड प्रोसेस में रखना है। ओके मास्टर्ड प्रोसेस ईयर का पीछे, दिस इज द बोन कंडक्शन, इधर बोन मास्टर्ड बोन होता है, बोन कंडक्शन चेक करना है। ओके द वाइब्रेटेड ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड इन द मास्टर्ड प्रोसेस ऑफ द ईयर। ओके व्हेन द वाइब्रेशन इज बिकम्स लेस और लो, जैसे वाइब्रेशन कम होने चालू होता है, द विंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड इन द प्लेस्ड जस्ट नियरर टू द ईयर, ईयर का नियर में ऐसा पकड़ना है, पहला ऐसा पकड़ना है। ओके जैसे वाइब्रेशन कम होने चालू होता है, फिर बाद में कान के बाजू ऐसा पकड़ना है। ओके दैट इज अ ईयर कंडक्शन, इसको ईयर कंडक्शन बोलते हैं। दिस इज बोन कंडक्शन, दिस इज ईयर कंडक्शन, दिस इज बोन कंडक्शन, दिस इज ईयर कंडक्शन, ध्यान रख लीजिए। ओके ईयर कंडक्शन बोन कंडक्शन में बोलते हैं, ईयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, हमने इधर पकड़ते हैं ना विंग्स का वाइब्रेशन बोन कंडक्शन से ज्यादा सुन रहे, तो ईयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, दैट इंडिकेट्स पॉजिटिव रिन्ने टेस्ट, पॉजिटिव रिन्ने टेस्ट बोलते हैं, मतलब नॉर्मल खान है, नॉर्मल है। ओके नॉर्मली ये विंग्स का साउंड बोन कंडक्शन से ज्यादा टाइम तक सुनाई देता है नॉर्मली, ये है ना, आप लोगों जब कॉलेज में आता है तब मैंने इंडिविजुअली उसको करवा के दिखाता हूँ, बहुत सारा वाइब्रेशन होता है। ओके फॉर एग्जांपल जस्ट वाइब्रेशन स्टार्ट देन पुट इन द मास्टर्ड प्रोसेस, ओके व्हेन द वाइब्रेशंस आर बिकम्स लो देन द विंग्स आर प्लेस्ड नियर टू द ईयर, देन दिस इज द एयर कंडक्शन, द एयर कंडक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बोन कंडक्शन, इससे ज्यादा बोन ईयर कंडक्शन में ज्यादा सुनाई देता है। ओके दैट इज अ नॉर्मल ईयर बोलते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव रिन्ने टेस्ट बोलते हैं, मींस नॉर्मल ईयर है। ओके अगर बोन कंडक्शन ज्यादा है ईयर कंडक्शन से, बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन ईयर कंडक्शन, दैट इज अ नेगेटिव रिन्ने टेस्ट बोलते हैं, नेगेटिव रिन्ने टेस्ट दैट इंडिकेट्स द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ओके पॉजिटिव रिन्ने टेस्ट में नॉर्मल ईयर में आता है, नेगेटिव रिन्ने टेस्ट में एबनॉर्मल ईयर मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस इंडिकेट करता है। ओके दिस इज द रिन्ने टेस्ट। ओके वेबर टेस्ट एंड रिन्ने टेस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके वो ट्यूनिंग फोर्क के हिसाब से वो टेस्ट करता है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। रिन्ने टेस्ट में बोन कंडक्शन एंड ईयर कंडक्शन दोनों कंपेरिजन करके टेस्ट करते हैं, वेबर टेस्ट में ओके वर्टेक्स ऑफ द पेशेंट के ऊपर ट्यूनिंग फोर्क, वाइब्रेटेड ट्यूनिंग फोर्क रखना है, लैटरलाइजेशन टू वन ईयर दैट इंडिकेट्स द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ओके रिन्ने टेस्ट में ओके देन द वाइब्रेटेड ट्यूनिंग फोर्क, द वाइब्रेटेड बेस ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड इन द बिहाइंड द मास्टर्ड प्रोसेस, एट द पॉइंट ऑफ द मास्टर्ड प्रोसेस, देन द वाइब्रेशंस आर बिकम्स लो और लेस, देन द विंग्स आर प्लेस्ड जस्ट नियरर टू द ईयर। ओके सपोज द ईयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन द बोन कंडक्शन, दैट इज द नॉर्मल ईयर। सपोज बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन द ईयर कंडक्शन, दैट इज द negative rinne test that indicates the conductive hearing loss। okay this is a very important है, आपको खुद practice करने
तक इसका इम्पोर्टेंट मालूम नहीं होता। दिस इज अ ट्यूनिंग फोर्क है, दिखने में ऐसा ही लगता है पर बहुत वाइब्रेशंस करता है। ऐसा रखा तो मुझे अभी भी सुनाई दे रहा है नॉर्मल इसमें। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ट्यूनिंग फोर्क है। ओके, सो वेबर टेस्ट एंड रिनर टेस्ट। वेबर टेस्ट कंडक्ट हेयरिंग लॉस कब बोलते हैं? लैटरल डिसेंट टू वन ईयर। ओके, रिनर टेस्ट नेगेटिव मीन्स कंडक्ट हेयरिंग लॉस, पॉजिटिव मीन्स रिनर टेस्ट पॉजिटिव मीन्स नॉर्मल ईयर। ओके, नॉर्मल ईयर में कैसे होता है? नॉर्मल ईयर में ईयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, दैट इज अ नॉर्मल, दैट इज अ पॉजिटिव रिनर टेस्ट। बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन ईयर कंडक्शन, दैट इज अ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। ओके, कोल्ड कैलोरी टेस्ट के बारे में देखेगा, ऑडियोमीटर टेस्ट के बारे में देखेगा। ओके, नेक्स्ट अभी डिसीज कंडीशन आएगा, सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस, डिसीज कंडीशन आता है। इसलिए आपको कंडक्शन, ईयर कंडक्शन क्या होता है, बोन कंडक्शन का होता है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में मालूम हो गया तो नेक्स्ट क्लास समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।